हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर किसी भी कॉलेज से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रेगुलर बेसिस सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है नॉन टीचिंग पोजीशन पर। हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है इस पोस्ट के लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट से या किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के लिए एक पोस्ट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 14 का है, 1,44,200 से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पर भी सेम सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है आप लोगों को। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पर भी सैलरी एकेडमिक पे लेवल 14 का ही रखा गया है, 1,44,200 यहाँ पर भी एंट्री सैलरी है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स के पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, टोटल एक सीट है। सैलरी यहाँ पर भी सेम है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, यहाँ पर भी आपकी सैलरी सेम ही है। डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एज्योरेंस में यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है और डायरेक्टर सेंटर फॉर आईटी इनेबल सर्विस में यहाँ पर एक पोस्ट रखे गए हैं। तो कुल टोटल 7 पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और जिसकी सैलरी यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14 का है, 1,44,200 से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। फॉर्म को अप्लीकेंट करने का जो इम्पोर्टेंट डेट है अगर उस पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का 10 जून 2024 से फॉर्म अप्लीकेंट होना स्टार्ट हो गया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jammuuniversity.ac.in पर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां जो लास्ट डेट की टाइमिंग दी गई है वो 8 जुलाई 2024 का दिया गया है। वहीं लास्ट डेट जो रिसीविंग हॉट कापी का है वो 15 जुलाई 2024 का रखा गया है। 15 जुलाई से पहले आप लोगों को अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर लेना है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों से जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसमें मास्टर्स आप लोगों के पास हो 55% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आप लोगों के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने वर्क किया हुआ हो या फिर आपने 8 सालों तक एकेडमिक के पे लेवल 12 के पोस्ट पर या एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आपने वर्क किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहीं डायरेक्टर एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 50% मार्क्स के साथ आप लोगों के पास मास्टर्स हो, साथ ही साथ पीएचडी आप लोगों के पास हो और 15 इयर्स का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। एक्सपीरियंस बेसिस पोस्ट है, जहाँ आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर लगाने होंगे। उसी के साथ अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ₹1,950 एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म अप्लीकेंट करने का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।